नमस्कार, मैं हूं नरेश्वर। अर्थप्रकाश टीवी में आपका स्वागत है। पंजाब के बाद हरियाणा में भी नशा तेजी से पांव पसार रहा है। खासकर युवा नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं। पड़ोसी राज्यों से लगती सीमाओं में नशे का धंधा बढ़ रहा है। इसी को लेकर विधानसभा में विपक्षी दलों ने मनोहर लाल सरकार पर हमला बोला है। खासकर इंडियन नेशनल लोकदल के अभय सिंह चौटाला ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है। बीजेपी, जजपा और कांग्रेस के बीच में भी एक तरह से वाक युद्ध इस पर हो चुका है। नशे की गिरफ्त से युवाओं को कैसे बचाया जाए, इसको लेकर हरियाणा सरकार एक ठोस योजना लेकर आ रही है। देखिए कैसे बढ़ा हरियाणा में नशे का धंधा। देखिए आप, अरे मैं कोई ऐसी थोड़ा सा अपने अपनी लैंग्वेज को ठीक रखिए। बर्बाद हो रहा है यहाँ, नारे लगते हैं गौ माता की जय, भारत माता की जय, आपस में भिड़ते हैं, समय बर्बाद करते हैं, तब कुछ चर्चा नहीं है। तब तो आप बैठ करके भी सारी बात सुनते हो, और जो काम की बात मैं कर रहा हूँ, काम को सारे काम की करते हैं, सारे काम की करते हैं, कोई नहीं। लेकिन आप स्पेसिफिक क्वेश्चन, आपसे ये उम्मीद नहीं है, जो आपसे मेरे किसी सवाल को मैं जो मंत्री से पूछ रहा हूँ उसके लिए देखिए, मतलब इंटरप्ट करें, ये मंत्री जी को तकलीफ होनी चाहिए, जवाब इन्होंने देने, आप उसके लिए अलग क्वेश्चन भेजिए मुझे। दूसरा, इतना बड़ा मेरी जो बात है मंत्री जी, मुझे पता है इस बात का जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। आपको मेरी बात अच्छी लग रही है, लेकिन आपकी मजबूरी है, आप ऐसी जगह बैठे हो कि आप इस पे कुछ बता नहीं पा रहे। मैं बात कर रहा था कर्मचारियों की। चलिए केस मैं बताऊंगा कैसे करते हैं, और आपका भी करूंगा, चिंता ना करो। मैंने आपसे पूछा था, अबे जी हो गया, उन्होंने जवाब दे दिया। बात बीच में, आपने जो दो क्वेश्चन बोले हैं उन्होंने जवाब दे दिया उनको। आप नहीं, कहाँ जवाब है आपको, पढ़ करके बता दिया। एक मिनट, आप बैठ जाइए, बहुत समय हो गया, आप बैठ जाइए। गीता मुकुल जी, हाँ बिल्कुल, ये आपका तरीका भी ठीक नहीं है। आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं लिख करके पूछिए। आप बोल चुके हैं, आप दो सप्लीमेंट्री पूछ चुके हैं, समय क्वेश्चन आवर केवल एक क्वेश्चन के लिए नहीं है, बाकी के सदस्य भी बैठे हैं, बाकी के सदस्यों के राइट को। अब दोनों बन गए यार, इस बात का भी जिक्र नहीं करना चाहता मैं, अब दोनों बन गए यार। विफलताओं का कोई चर्चा नहीं करवा रही मुझे, दोष बात हुई, और भी बहुत सारी बातें हैं मेरे पास, हर चीज का वो है, लेकिन अब कोई मैं उसको नहीं करना चाहता, ना मैं कहना चाहता इस बात को कहना चाहता। कोई कहता था 75 पार, कोई कहता था यमुना पार। हरियाणा के खिलाड़ियों ने देश भर में अपने खेल प्रदर्शन से लोहा मनवाया है, लेकिन नशे ने युवाओं को गिरफ्त में लेने से हरियाणा सरकार की चिंताएं बढ़ गई है। हरियाणा सरकार के समाज कल्याण विभाग ने एक ठोस योजना तैयार की है, जिसका मकसद युवाओं को नशे से दूर करना है। नशे पीड़ित युवाओं का पुनर्वास करना उसमें अहम है। हरियाणा सरकार की क्या योजना है, इसी को समाज कल्याण विभाग के डायरेक्टर भूपेंद्र सिंह ने अर्थप्रकाश टीवी को बताया। देखिए, ये ठीक है कि नशे का जो दुरुपयोग है वो एक गंभीर समस्या है, ना केवल हमारे राज्य के लिए बल्कि पूरे देश में एक ये गंभीर समस्या है। और इसके बारे में हमारा विभाग दूसरे विभागों के साथ मिलके, पुलिस विभाग और हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ, FDA के साथ मिलके हम इसमें कार्य कर रहे हैं। और जो हमारा काम है वो बेसिकली तीन तरीके से आप उसको समझ सकते हैं। एक रेगुलेशन का काम है, जहाँ पे हम कानून को लागू करने का काम करते हैं, उसमें NDPS एक्ट की चेकिंग्स जो पुलिस के द्वारा की जाती हैं वो जोर शोर से हम कर रहे हैं। इसके अलावा भी दूसरे काम रेगुलेशन के लिए हम कर रहे हैं। दूसरा काम मैनेजमेंट का है, डी एडिक्शन सेंटर्स हमारे यहाँ 72 हरियाणा में खोले गए हैं, तो उनमें जो हमारे ड्रग एडिक्ट्स हैं उनके इलाज किया जाता है। और इस काम को आगे बढ़ाने के लिए, एक पॉइंटेड फोकस इस पर रखने के लिए सरकार के द्वारा एक सोसाइटी का गठन किया जा रहा है। ये सोसाइटी एक्सक्लूसिवली ड्रग अब्यूज़ पे काम करेगी और इसकी जिला स्तर पर भी प्रेजेंस होगी।
तो उम्मीद है कि इस सोसाइटी के बनने से और ये जब इंस्टीट्यूशनलाइज सिस्टम हमारा हो जाएगा, इस समस्या से निपटने में हमें काफ़ी मदद मिलेगी। कुछ ऐसे इलाके भी चिन्हित किए गए हैं, क्योंकि हरियाणा की जो छवि है वो खेलों में भी है और अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अब नशे की बात आना एक चौंकाता है कि दूध दही का खाना वहाँ पर नशा हो रहा है, इसको लेकर नहीं देखिए हमारे यहाँ एक तो जो कोर एरिया जिसको हरियाणा का कहेंगे, 8-10 जिले हमारे ऐसे हैं जहाँ पे हमारे बच्चे खेलों के लिए बड़ा रुचि रखते हैं और उनका खान पान भी उसी तरीके से रहता है, बच्चे मेहनत करते हैं सुबह से। हम आप देखते होंगे हरियाणा में जब जींद में, भिवानी में, रोहतक की एरिया में आप जाते हैं तो बच्चे सड़कों पर भी दौड़ लगा रहे होते हैं। लेकिन कुछ एरिया ऐसा है जो दूसरे राज्यों के साथ लगता है, उसमें ऑब्वियसली थोड़ा प्रभाव रहता है, वहाँ थोड़ी सी इसका ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है। फिर दिल्ली के आसपास का एरिया, उसकी अपनी समस्याएं हैं, बड़े शहरों की जो एक टिपिकल जो एक पैटर्न होता है। लेकिन बीच का जो हमारा मेन हरियाणा है वहाँ पे कंपैरेटिवली बच्चों की रुचि खेलों में और अच्छे खान पीन में। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।